कश्मीर में क्योंकि सॉयल बेस्ड फार्मिंग होती है, हर किसी को पता है कि सॉयल में, मिट्टी में काफी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पौधों के मतलब के होते हैं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो पौधों के मतलब के नहीं होते और जबरदस्ती पौधों को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। वो एलिमेंट जो है वो पौधों में बीमारियां देते हैं, उनको बोलते हैं सॉयल ट्रांसमिटेड डिजीज़। लेकिन जो हमारी टेक्निक है ये बिल्कुल सॉयल लेस है, मतलब इसमें मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं होता, तो वो फैक्टर पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, तो इसमें किसी तरह की कोई जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। अब कोई डिजीज नहीं होती तो ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है, तो हमारा ये प्रोड्यूस बिल्कुल केमिकल फ्री होता, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल होता, कोई भी केमिकल, कोई भी ट्रीटमेंट, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। ये सभी कारण है जो मैंने आपको बताए हैं, जिनके चलते जो बंद कमरे में एरोपोनिक्स टेक्निक से जो प्रोड्यूस आता है और उसकी क्वालिटी और उसका यील्ड दोनों ही या तो वो एट पार विद बेस्ट ऑफ द कश्मीर और किसी मामले में उससे बेहतर भी होते हैं।